as you guys can see, negative hai. Kuch earth pe bahut zyada wo apna control chahta hai, apna hug banana chahta hai, apni banana chahta hai is prithvi ko. To wahi hai, hu bahu aur jo taityani hai, ye milke kuch conspiracy create kar rahe hain. Aisi conspiracy hogi ki bachchon ko maza aayega, dekhne walon ko maza aayega. मैसेज वही है कि मैं बुराई को जिताना चाहता हूँ, बुराई को बढ़ाना चाहता हूँ और वो अच्छाई को बढ़ाना चाहता है. ये है कि एंड में बुराई हारती है, अच्छाई जीतती है, सब जगह ही होता है. विलेन हार जाता है, हीरो जीत जाता है. इस तरह का शो करना कितना आपके लिए, अब कितना आपके लिए डिफिकल्ट रहा, क्योंकि इस तरह का शो डिफिकल्ट इन द सेंस डिफिकल्ट आप नहीं बोल सकते, चैलेंजिंग होता है. चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि आप देख सकते हैं लेदर के मैंने कपड़े पहने हैं. जिस इतनी गर्मी में नॉर्मल टी शर्ट पहनना मुश्किल होता है, तो लेदर के कपड़े पहन के और धूप में शूट करना पूरा दिन मुश्किल होता है. बट एज एन एक्टर ये हमारी जॉब है, पब्लिक को एंटरटेन करना, पब्लिक के लिए बहुत कुछ करना. इसी के लिए हम ये काम कर रहे हैं और हमारा काम है. दैट्स इट, मज़ा आता है जो भी करते हैं उसमें, मज़ा आता है. दैट्स इट. टेस्ट आएगा क्या बालवीर अपने जो आगे का मकसद है, सफल होंगे या लोग पाएंगे? ये इसके लिए आपको बालवीर देखना पड़ेगा. अगर नहीं, ट्विस्ट तो बहुत है, ट्विस्ट एंड टर्न बहुत ज़्यादा आएंगे आगे. बस अभी देखते जाइए कि आगे आगे बालवीर क्या करेगा और मैं क्या करूँगा, हूबहू क्या करेगा और बालवीर क्या करेगा, फिर हूबहू कुछ खेलेगा और बहुत भारी पड़ेगा हूबहू उस पर. बट देखते जी. अच्छा, व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स से ये कहना चाहेंगे कि बालवीर देखिए, बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा शो है. यंग पीपल बहुत देखते हैं शो को और बच्चे तो बहुत देखते हैं, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है इसकी. बड़े भी देखते हैं, अच्छा शो है, क्यूट सा है. अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के, आप सोनी सब हैं तो पूरी फैमिली के साथ मिल के देखते हैं, बैठ के हंसते हैं, मज़ा करते हैं. दैट्स इट. और खाना वाना खा के सो जाते हैं. दैट्स इट, नथिंग एल्स. थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू. बाय. सीन में वही चल रहा है जो चलता रहता है जब से मैं आई हूँ, यही कर रही हूँ. बालवीर के पीछे पड़ी हुई हूँ और अभी तो एक नया कैरेक्टर आया है हूबहू, हुज क्लेमिंग टू बी इक्वली पावरफुल. तो लेकिन ऑब्वियसली दैत्यानी नहीं चाहती कि उससे भी ज़्यादा कोई पावरफुल रहे, लेकिन उसको मज़ा है ये सुन के कि वो भी पृथ्वीलोक का अंत करना चाहता है. इसीलिए दैट ट्रैक इज़ गोइंग ऑन कि जहाँ हम दोनों मिलकर कुछ ख़त्म करने की कोशिश पूरी तरह करेंगे. अब वो होगा नहीं होगा वो आपको भी पता है क्या होने वाला है. बट बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज एवरी बॉडी इज़ टू मच ऑफ फन. माने स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, जूनियर, जो भी है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे. सच्चाई और झूठ में क्या फ़र्क है? सच्चाई और अच्छाई और झूठ. अच्छा, सच्चाई और झूठ. सच ये है कि शो करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और झूठ ये है कि कोई झूठ मैं बोल नहीं सकती, ये सबसे बड़ा झूठ है. मेरा हमेशा चैलेंजिंग रहा है. मैं तो कहूँ कि इतने साल हो गए माता की चौक की, शुरू किया था क्योंकि से, लेकिन उसके बाद सोशल ड्रामा काफ़ी साल किया. उसके बाद एक बार की माता की चौकी में घुसी, फिर लोगों ने सोचा ही नहीं मुझे सोशल ड्रामा देने के लिए. अभी इससे पहले ही मैं महारक्षा कार्यन कर रही थी, उससे पहले मैं सावित्री कर रही थी. किसी में सांप हूँ तो किसी में चील हूँ, तो अभी इसमें ये हूँ, तो यही रानी महारानी, मैंने कभी जो देवी बनती हूँ, तो बहुत कुछ. सब नेगेटिव हूँ लेकिन हर किरदार कर रही हूँ. एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे इस बारे में सोचा जा रहा है और जाता है हमेशा. आई एम रियली हैप्पी, बहुत मज़ा आता है. इतना गर्मी में ये ड्रेसिंग करना? एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि इतने गर्मी में मैं, जब भी मुझे गुस्सा आता है कि मेरे सामने फ़ैन क्यों नहीं आ रहा है, कि एसी क्यों नहीं आ रहा है, मैं सबको बोलती हूँ भैया पहना के तुम लोगों को शूट करवाऊँगी. बिकॉज इट्स अ रियल चैलेंज. इस गर्मी में पूरा फर वाला एंड पूरा हाथ पूरी तरह ऊपर से नीचे मैं ढकी हुई हूँ, जो एक तरफ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि बिल्कुल सहन नहीं होता. कि जब शॉट के टाइम पर यू डोंट रियलाइज, लेकिन एक बार कट बोल दे तो फिर सारी गर्मी या ठंडा लगे तो ठंडी सब समझ में आ जाता है. सो बट या चैलेंज है, मज़ा आ रहा है बहुत. मेरे जितने भी फैंस हैं, चाहने वाले हैं, जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, मैं सबको ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने बेस्ट विशेस मुझे भेजते रहिए और देखते रहिए मेरा काम, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मुझे आज तक इतना काम मिलता आया है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी और अच्छे से अच्छा रोल करती रहूँगी और आप लोगों का प्यार मुझे और